हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन जर्नी फॉर स्टडी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इस चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक यानी कि वेमार रिपब्लिक कैसे फॉर्म हुई। वेमार रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट है जर्मनी की, ठीक है, ये गवर्नमेंट है जर्मनी की। तो आपको अगर कोई पूछे कि व्हाट इज वेमार रिपब्लिक, वेमार रिपब्लिक इज द गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी। अब आता है कि वेमार रिपब्लिक कैसे बना, ठीक है, तो वेमार रिपब्लिक का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो यहाँ पे दिया हुआ है जर्मनी फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914 टू 1918। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जर्मनी ने अपना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक लड़ा, ठीक है, यानी कि ये जो वर्ल्ड वॉर था वो 4 ईयर्स तक चला। इसमें दो दो पावर्स थी, एक एलाइज पावर्स थी और एक थी सेंट्रल पावर, ठीक है। तो एलाइज पावर में इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया था, और सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन एम्पायर था। तो ये दो मेन पावर्स थी, ठीक है, एक थी एलाइज और एक थी सेंट्रल पावर। अब आता है कि अलाइज की जीतने का कारण क्या था। अलाइज का जीतने का कारण ये था कि यूएस जो थी, यूएस आर्मी जो थी वो बीच में आ गई। 1917 में जब यूएस बीच में आई तो इनकी जो पावर थी वो डबल हो गई। ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि यूएस की जो आर्मी है वो सबसे पावरफुलेस्ट आर्मी है। तो यूएस जब अलाइज के साथ ज्वाइन हो गई तो ऑब्वियसली इनकी हार होनी थी। तो जर्मनी की हार हुई और इनको हार 1918 नवंबर के मंथ में ये हार गए थे और जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था वो खत्म हो चुका था। अब जर्मनी वालों ने क्या किया, जर्मनी वालों ने एक नेशनल असेंबली बुलाई, ठीक है। इस नेशनल असेंबली में उन्होंने अपना एक खुद का डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना और तभी ये वेमार रिपब्लिक जो थी, ये वेमार रिपब्लिक जो हमारा वहां का गवर्नमेंट था वो फॉर्म हो गया, ठीक है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट जो कि थे इफेक्ट ऑफ वॉर्स। इफेक्ट ऑफ वॉर्स, तो ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इफेक्ट क्या क्या थे। अगर कहीं पे वॉर हुआ होगा तो हाँ के कुछ इफेक्ट्स भी होंगे, कुछ वहाँ पे कुछ तो परेशानी भी हुई होगी। क्या क्या परेशानी थी वो अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इफेक्ट ऑफ वॉर, द एंटायर कॉन्टिनेंट वॉज डिवास्टेड बाय द वॉर बोथ फिजियोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। तो फिजियोलॉजिकली और बायोलॉजिकली देखा जाए तो लोगों की मृत्यु भी बहुत हुई थी, लोग बहुत मारे भी गए थे और फाइनेंशियली भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुई थी। तो फिजियोलॉजिकली कैसे कि वहाँ की जमीन थी, वहाँ के लोग को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, बहुत डिस्टर्बिंग सा माहौल हो गया था। फिर फाइनेंशियली कैसे, फाइनेंशियल जो उनकी इकोनॉमिक स्टेटस था, उनका जो इकोनॉमिक वैल्यू था वो बहुत ज़्यादा गिर गया था, उनकी इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ज़्यादा गिर गया था। अब आता है नवंबर क्रिमिनल्स के बारे में। तो नवंबर क्रिमिनल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके जो क्वेश्चन मेनली पूछे ही जाते हैं। नवंबर क्रिमिनल्स मतलब क्या, सोशलिस्ट, कैथोलिक और डेमोक्रेट्स लोग जो कि वेमार रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे और उनको नवंबर क्रिमिनल्स बोला जाता था। अब हमें तो पता चल गया कि हु वर नवंबर क्रिमिनल। आपको पूछ लिया कि व्हाई दे वर कॉल्ड नवंबर क्रिमिनल, तो व्हाई में आपको आंसर देना है कि नवंबर क्रिमिनल्स आर दोज हु सपोर्टेड वेमार रिपब्लिक, मेनली सोशलिस्ट, कैथोलिक, डेमोक्रेट, एज दे वर टॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्साइल ट्रीटी। तो गाइस यहाँ पे मेन जो रीजन है हमारे पास ये आ चुका है कि इन्होंने जो है वर्साइल ट्रीटी जो है उसको साइन किया था, ठीक है, बिना किसी को पूछे इन्होंने है ना वर्साइल ट्रीटी को साइन कर दिया और इसी वजह से लोग इनको नवंबर क्रिमिनल्स भी बोलना शुरू कर दिया। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इकोनॉमिक क्राइसिस। तो गाइस इकोनॉमिक क्राइसिस तो बहुत ही आम सी बात हो गई, क्योंकि अगर आप लोन पे लड़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप ही लड़ाई ही लोन पे कर रहे हो, आपने वॉर के लिए जितना भी तैयारी किया, जी सब कुछ किया, वो सब आपने लोन पे किया, ठीक है। तो यानी कि आपका जो बेसिक जो था, आपके पास जो बेसिक था वो आपका था लोन, ठीक है, आपने लोन पे सब कुछ किया और लोन आपने किसी और कंट्री से लिया, ऑब्वियसली वो कंट्री आपसे वापिस
लोन वापिस, जो आपको पैसे दिए थे वो वापिस लेगी। तो फ्रेंच ने भी वही किया, फ्रेंच ने जब जर्मनी को अपना लोन के पैसे वापिस मांगे तब जर्मनी ने देने से मना कर दिया, दे रिफ्यूज टू पे। तो जर्मनी ने क्या किया, इनकी जो लीडिंग इंडस्ट्रीज है, इनकी जो इंडस्ट्रियल एरियाज है, उसको अपने कब्जे में लेना शुरू किया, ठीक है। ये लोग ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया धीरे धीरे। फिर इन्होंने उनके कोल माइंस, उनका कोल मतलब जी उनका कोयला था, उसको भी लेना शुरू कर दिया इन्होंने। उनके जो गोल्ड थे है ना, गोल्ड माइंस थी, उन सबको भी अपने अंडर लेना शुरू कर दिया। और किसी तरह इन्होंने अपना जो लोन था उसको पूरा कंप्लीट कर लिया, रिकवर कर लिया। तो अब बात है कि यहाँ पे इमेजिन ऑफ जर्मन, जब जर्मन की इमेजिन करो कि अगर आप कोई ब्रेड का पैकेट लेने जा रहे हैं, तो गाइस जेनुअनली आप सिर्फ 10 रुपए का एक नोट उठा लोगे या फिर 20 रुपए का एक नोट उठा लोगे और आप उसको यूज करोगे खरीदने में, ठीक है। पर अगर आप अभी उस टाइम पे आप अगर जर्मनी में होते, तो पता है आपको गड्डी भर भर के आपको सिर्फ पैसे ही लेके जाने पड़ते, सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट लेना चाहिए। वो क्यों, तो वो देखते हैं हम कि सपोज अगर कोई किस हर हर कंट्री में अपनी अपनी जो रुपीज होती है उन सब की वैल्यू होती है, ठीक है। उसकी एक वैल्यू होती है, वो और वो जो डिनोट करते हैं हम, उस वैल्यू को जो डिनोट करते हैं उसको हम करते हैं डिनोट। यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ 2 मिनट, ओके। उसको हम जो है डिनोट करते हैं डॉलर से, ठीक है, यूएस डॉलर से। तो हम जाते हैं यहाँ पे यूएस डॉलर से, ठीक है, ओके। अब यहाँ की जो करेंसी थी इसकी वैल्यू गिर चुकी थी, इतनी ज्यादा गिर चुकी थी कि आपको अगर कोई चीज खरीदनी थी, आपको अगर कोई चीज खरीदनी है तो आपको कई रुपए लेके जाने पड़ते थे, कई पैसे लेके जाने पर, बहुत सारी गड्डियां उठा उठा के लेके जानी पड़ती थी, क्योंकि इन्होंने कंटिन्यूअसली अपने नोट्स की प्रिंटिंग कर दी और ओवर प्रिंट कर दिए नोट्स, जिसकी वजह से इसका सर्कुलेशन बढ़ गया और इसकी जो वैल्यू है कम हो गई, ठीक है। यूएस डॉलर से अगर आप कंपेयर करोगे तो ये लाखों में पहुंच गया था, इसका जो इन्फ्लेमेशन था वो लाखों में पहुंच गया था, और इसी क्राइसिस को नाम दिया गया हाइपर इन्फ्लेमेशन। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि व्हाट इज हाइपर इन्फ्लेमेशन, तो आपको सिर्फ बता देना है कि व्हेन द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ ओवर प्रिंटिंग नोट्स है ना केम, इट कॉज द हाइपर इन्फ्लेशन। अब आता है कि नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास द ईयर ऑफ डिप्रेशन। तो गाइस ऑब्वियसली ये लोग बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम्स में चल रहे थे, और जब कोई बंदा प्रॉब्लम में चलता है तो प्रॉब्लम उसको डिप्रेस कर देती है, ठीक है। तो डिप्रेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट और बहुत सभी लोगों को डिप्रेशन हो रहा था। 1924 से लेकर 1928 तक ये 4 साल तो उन्होंने किसी तरह निकाले, है ना, किसी तरह इन्होंने स्टेबिलिटी से निकाले, क्योंकि यूएसए जो था, जो कि पहले अलाइज के साथ था, उन्होंने इसका साथ दिया, इसको थोड़ा सा हेल्प किया, ठीक है। तो हेल्प ऐसे किया कि इनको कुछ पैसे पैसे दिए, है ना, इनकी कुछ हेल्प कर दी हल्की फुल्की। अब बीच में हुआ क्या कि जो इन्होंने वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज का स्टॉक रखा था वो क्रैश हो गया, ठीक है, ठीक है। अब ये क्रैश हो गया 1929 में, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो था वो क्रैश हो गया 1929 में, ठीक है। अब इकोनॉमिक डिप्रेशन जो था वो अगले 3 साल तक, 1929 से लेकर 1932 तक चलता ही रहा, क्योंकि जो यूएसए की नेचुरल इनकम थी, नेशनल इनकम थी, जो थी वो आधी हो चुकी थी, यानी कि अगर कुछ 100 करोड़ तक का उसका जो बजट था वो आधा हो चुका था 50 करोड़ तक। मैं इसी एक आपको बता रहा हूँ कि वो आधा हो चुका था, ठीक है। द इकोनॉमिक ऑफ जर्मनी वॉज द वर्स्ट हिट, वर्कर बिकेम जॉबलेस एंड वेंट टू स्ट्रीट ऑन प्लेइंग कार्ड्स। तो जो वर्कर्स थे वो लोग हर जगह पे फैल चुके थे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, और वो लोग दिन भर खाली बैठे रहते, तो क्रिमिनल एक्टिविटीज जो थी वो बढ़ चुकी थी, और जो स्मॉल बिजनेसमैन थे उनको भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा था कि अब उनका क्या होगा, कहीं उनको भी लेबर जैसा वर्क ना करना पड़ जाए। तो ये लोग भी बहुत डर में थे, तब
तो इसी की तरह जो ईयर ऑफ डिप्रेशन था, इसके बारे में आप लिख सकते हो, आप वीडियो करिए।